स्टूडेंट्स हाउ आर यू एक चीज़ का तो मुझे यक़ीन है कि अब आपको लॉ से कोई खौफ नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ से ना डरें यू हैव टू अबाइड बाई लॉ वी हैव ऑल टू अबाइड बाई लॉ लॉ पर अमल दरामद वो एक अलीहद चीज़ है

लॉ को देखा कि लॉ कोई ऐसी बात नहीं है इट इज फॉर द स्ट्रेंजर्स लॉ हमने देखा कि इट इज फॉर ईच वन ऑफ आस ये बड़ा रेलिवेंट है फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वेदर लिटरेट और इलिटरेट वेदर स्टूडेंट्स our business communities, whether employers or employees, employees who employer who students, ho, businesses, ho, corporations, ho, organizations, ho. for all segments, for all institutions, the knowledge of law is very important. i don't mean that everyone would be the expert in law. बट द बेसिक नॉलेज अबाउट ऑफ लॉ प्रमिनरी नॉलेज अबाउट लॉ कॉन्शियसनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर राइट एंड ऑब्लीगेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे हमने लेबर लॉस की बात की एम्प्लॉयर को इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसके क्या ऑब्लिगेशन लेबर लॉस के तहत उसने क्या कुछ करना है इफ दोज ऑब्लिगेशन आर नॉट फुलफिल्ड द लेटर ऑफ लॉ वुड कम इन टू प्ले पेनल्टीज हो सकती हैं फाइन्स हो सकती हैं क्लोजर हो सकता है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का इसी तरह एम्प्लॉय को भी पता होना चाहिए कि इट इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ राइट्लॉज के राइट्स क्या हैं देर आर काउंटर ऑब्लिगेशन एज वेल जब आपके पास राइट्स हैं तो उसके साथ ऑब्लीगेशन भी होती है. counter party भी हैं काउंटर पार्टी की भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है आपके भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो जो मैंने आपको शुरू में बताया party, so, students, ये म्यूचुअलिटी ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस राइट्स ऑफ वन पार्टी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर पार्टी एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर पार्टी आर द राइट्स ऑफ द काउंटर पार्ट सो स्टूडेंट्स ये राइट एंड ऑब्लिगेशंस की बात है इसकी कॉन्शियसनेस है अगर हमें अपने राइट्स का नहीं पता होगा हमें अपने ऑब्लिगेशन का नहीं पता होगा तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं बहुत सारी लाइबिलिटीज हो सकती हैं दोज मे भी फाइनेंशियल टर्म्स एंड इन अदर टर्म्स हमने बात की कि बिजनेस वर्ल्ड में एंड बिजनेस मैटर्स में बिजनेस ट्रांजेक्शन में अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इज इंपॉर्टेंट इन ऑल फील्ड टू ऑल इंडिविजुअल बट इन बिजनेस मैटर्स आई टोल्ड यू इट इज ऑफ आट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ फाइनेंशियल मैटर्स में ट्रांजेक्शन हो रही होती यहां पर लोगों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है अगर ये प्रोटेक्ट नहीं होंगे अगर बिजनेस में इंटरक्टिंग पार्टीज में एक कॉन्फिडेंस एमर्ज नहीं होगा तो बिजनेस भी सही मानों में नहीं चल सके आप देखिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान एंड यू आर एक्सपोर्टिंग टू बेल्जियम आइटम्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर यू एज एक्सपोर्टर एंड योर इंपोर्टर दे आर सिटिंग थाउजेंड एंड ऑफ माइल्स अवे हजारों मीलों का फासला है वहां पर आप बैठे हुए हैं कर रहे हैं आप आप गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं आपने पेमेंट लेनी अब ये आपके जो एग्रीमेंट्स हैं और एग्रीमेंट्स से नहीं है कि दिस इज ऑन द पीस ऑफ पेपर दैट यू हैव रिटर्न इट उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जिस वजह से बिजनेस चल रही नॉट बिटवीन यू टू पर्सनस बट ऑल ओवर द ग्लोब इफ यू सी विद इन स्टेट एंड इंटर स्टेट एक्टिविटीज इतनी कामयाबी से चल रही वो इसी वजह से है कि इन एग्रीमेंट्स ने इन डिफरेंट लॉज ने एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा दिया आपने आज एक कॉन्ट्रेक्ट किया है उसकी फुलफिलमेंट दो महीने के बाद करनी उसकी पेमेंट जो है आपके पार्ट पर आप गुड्स भेज रहे हैं उसकी पेमेंट आफ्टर फोर मंथ्स आनी बट दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट एग्रीमेंट दैट लॉ दैट हैज गिवन यू द कॉन्फिडेंस दैट एवरीथिंग वुड गो स्मूथ इवन इफ इट डजेंट दैट यू कैन टेक रिकॉर्ड्स टू लॉ आप कानून का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं वो रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद है वो रास्ता आपके पास मौजूद है इसको एन्फोर्सबिलिटी कहते हैं कि अगर ब्रीच होती है कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट होता है तो आप अपने मैटर को फॉर एनफोर्समेंट यू कैन फॉर एडुडिकेशन फॉर ए डिसन इन दैट मैटर यू कैन टेक इट बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ये एग्रीमेंट्स हैं ये लॉ है जिसकी वजह से बिजनेस वर्ल्ड में एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है और उस कॉन्फिडेंस की वजह से बिजनेस ग्रो करती हैं बूस्ट करते हैं बढ़ते हैं तो ये मैंने बताया कि विद इन द स्टेट और अक्रॉस द बॉर्डर लॉ जब मौजूद होगा रूल्स जब मौजूद होंगे रूल्स ऑफ एक्शन होगा उसको रेगुलेट और कंडक्ट करने के लिए कोई अथॉरिटी होगी तो आपके लिए बड़ा आसान हो आप यहां से गुड्स भेज रहे हैं आपके इम्पोर्टर ने आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट भेज दिया इट विल बी टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस अब ये एग्रीमेंट्स की टाइप बता रहे हैं बैंक ने एक अंडरटेकिंग की कि आपको पेमेंट कर दी जाएगी आप इतना ही समझ लीजिए अब वो एक पीस ऑफ पेपर विच यू हैव रिसीव फ्रॉम द बैंक वेयर बाई एन अंडरटेकिंग हैज बिन प्रोवाइडेड दैट इफ यू शिप दिस गुड्स एंड रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड देमेंट इज अंडरटेकन बाई बैंक टू बी मेड टू यू अब ये क्रॉस बॉर्डर्स ये कॉन्फिडेंस किस वजह से बिल्डअप हुआ कि यह एग्रीमेंट है बिटवीन द बैंक एंड द रिस्पेक्टिव पार्टीज जिसने ये कॉन्फिडेंस दिया है इससे बिजनेस बढ़ती है इससे बिजनेस को बूस्ट मिलता है ग्रो करती है तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ये कहाँ से आई बिकॉज देर इज अ लॉ बैक ऑफ इट और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट की मैंने बात की वो मैंने इस वजह से की कि मैं आपको बता सकूँ कि ये सिर्फ ये नहीं कि आपका डोमेस्टिक लॉ है इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं इंटरनेशनल लॉज हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिस हैं जो भी अपना रोल प्रोवाइड करते है. आप में से जो जानते हों उनके लिए आसान होगा बाकी सिर्फ ये समझ कि जब लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया जाता है तो उसमें यह लिखा जाता है दैट दिस लेटर ऑफ क्रेडिट विल बी गवर्न बाय यूसीपी 500 ऑफ आईसीसी। दिस यूसीपी 500 आर द यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस बाय इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स अब उसके जो भी रूल्स हैं जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें कहा जाता है उसके मुताबिक ये सब कुछ डील हो तो इट हैज़ बिकम वेरी इजी। इट इज़ नोन टू एवरी बॉडी वट आर द प्रोविजंस ऑफ यू सी पी फाइव हंड्रेड तो उन प्रोविजन के हिसाब से रेस्पेक्टिव पार्टीज विल बी गवर्न विल बी रेगुलेटेड रूल ऑफ एक्शन उनको रेगुलेट कर सकते हैं उनको कंडक्ट कर सकते हैं उनकी इन्फ्रिजमेंट हो तो उनको एनफोर्सेबल किया जा सकता है थ्रू द कोर्स ऑफ लॉ तो ये इन्फोर्सेबिलिटी भी है आप चाहें तो आप उसको एनफोर्स करवा सकते हैं थ्रू द कोर्स ऑफ लॉ अब ये बात नहीं है कि हर डिसीशन आपकी फेवर में होगा इफ यू आर करेक्ट एंड यू आर एबल टू प्रूव योर केस बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ तो फिर आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है तो दोनों की बात सुनकर उसके बाद फैसला करना दैट इज कोर्ट ऑफ लॉ बट देर मस्ट बी ए लॉ जिसकी लाइट में कोर्ट ने फैसला करना तो रूल्स रेगुलेशन लॉ जब होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो हो सके फिर हमने बात की कि आपकी ट्रांजेक्शन में रोजमर्रा की ट्रांजेक्शन में एग्रीमेंट्स हो रहे होते कुछ एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स हैं कुछ इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स उन पर बड़े डिटेल से बात हुई आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट तो ये आप जहन में रखिए। उसके साथ आपको बताया गया कि बिजनेस लॉ इज़ नॉट ओनली द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कोई एग्रीमेंट्स की बात नहीं है बिजनेस के मुख्तलिफ जहते हैं ये मल्टाई डायमेंशनल टॉपिक है इसमें डिफरेंट लॉ अप्लाई होते हैं

उसके बाद आपसे बात हुई कि हम लॉ पार्टनरशिप की बात करें फर्म क्या है कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म उसमें पार्टनर्स का रोल क्या होता है पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है ऑल एलिमेंट्स वो हम पार्टनरशिप लॉ जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन डिटेल उसको डिस्कस करेंगे इसी तरह आपसे बात हुई लॉ ऑफ कंपनीज हम स्टडी करेंगे उसके साथ साथ नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की बात प्रोमिटरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक्स इनकी बात हुई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं नैगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स के बड़ा वाइड टॉपिक है सो so, स्टूडेंट्स ये नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोमिटरी नोट्स में अंडरटेकिंग हो रही होती है फ्राम द डैट बिल ऑफ एक्सचेंज इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर ऑर्डर दे रहा हो डेटर को कि आप इसकी पेमेंट कीजिए उसमें एक्सेप्टेंस का भी एक रोल है अब ये बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये एक तो आपके राइट्स को सेफ गार्ड कर रहे होते हैं एक तरफ ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे होते हैं दूसरी पार्टी इसके अलावा बिजनेस वर्ल्ड में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स चैक साफ सब लोग जानते होंगे बैंकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है तो ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें नेगोशिएबिलिटी मौजूद है अब ये नेगोशिएबल क्या होते हैं नेगोशिएशन क्या होती है इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे

वहां पर आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे व्हाट यू आर ट्रांसफरिंग दैट इज द राइट इन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप एज मॉर्टगेज अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर रहे होते हैं एज सिक्योरिटी फॉर लोन इसी तरह मोर्टगेजर की हमने बात की मोर्टगेजी की बात की मोर्टगेज प्रॉपर्टी की बात की इनकी तरफ इशारा किया हमने ये पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले टॉपिक हैं मॉर्टगेज मनी क्या होता है टाइप ऑफ मोर्डगेज़ कौन कौन सी हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स तो इन सब पर हम इन डिटेल देखेंगे और इनको स्टडी करेंगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के बाद हम सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे कि सेल ऑफ़ गुड्स का क्या लॉ है इसके साथ साथ कैरेज ऑफ़ गुड्स की बात कैरेज ऑफ गुड्स के लिए देर आर थ्री लॉस वन कैरेज बाई लैंड अदर कैरेज बाई एयर एंड एन अदर वन कैरेज़ बाई सी ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इन मोड्स के जरिए जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो जाहिर है डिफरेंट पार्टीज के कुछ राइट्स होंगे कुछ ऑब्लीगेशन होंगे सो दो आउट इन दिस लॉ तो ये लॉ जो है उसमें मदद करता है रेस्पेक्टिव पार्टीज को पता है कि उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या हैं इसी तरह लॉ ऑफ ट्रस्ट की बात हुई कि हम लॉ ऑफ ट्रस्ट स्टडी करेंगे लॉ ऑफ इंश्योरेंस की बात हुई कि रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है अब इस पर लॉ क्या कहते हैं लेबर लॉस की बात हुई डिफरेंट लेबर लॉस सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम NIRC आई आर सी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है उससे मुतल जो लॉज हैं वो सब हम उन पर बात करें तो ये लॉज जो हैं रेस्पेक्टिव लॉज लेबर से मुतिक और बिजनेस से मुतल इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है और लॉ जैसा कि हमने देखा इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ आस वेदर यू आर एन इंडिविजुअल वेदर यू आर ए बिज़नेस वैदर यू आर ए कारपोरेशन वेदर यू आर ए पार्टनरशिप वैदर यू आर एन इंस्टीट्यूशन वैदर यू आर एन ऑर्गनाइजेशन वैदर यू आर ए गमेंट हर एक को लॉ का के मुताबिक चलना है तो ये लॉ का जानना उसको कंस्ट्रू करना उसको अंडरस्टैंड करना, करना और उसकी इंटरप्रटेशन ये प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है सो यू आर गोइंग टू बी द प्रोफेशनल्स यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर मैनेजर्स तो आपके लिए स्टडी ऑफ द बिजनेस लॉ एंड लेबर लॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इस नुक से हम पढ़ रहे थे हमने लॉ का देखा कि लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद हमने बात की जूर स्प्रूडेंस तो स्टूडेंट्स जूर आपको बताया दिस इज द नॉलेज ऑफ लॉ वो ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि लॉ के बारे में स्टडी करती है दैट इज कॉल्ड जोर तो जूर का स्कोप क्या है ये बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में उसमें आपको बताया कि सबसे पहले एनालिटिकल जुरुस क्या है ये एनालिसिस करता है उस लॉ विच इज द एग्जिस्टिंग लॉ लॉ के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से देखा जाता है कि ये लॉ उस पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है या नहीं दिस इज जस्ट स्टडी जस्ट एनालिसिस ये लॉ को चेंज नहीं करता लेकिन इन स्टडीज की वजह से लॉ में चेंजेज आती रहती उसके बाद हमने बात की कि ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म एलिमेंट्री जो सब डिविजन्स है उनकी उसमें इनको स्टडी करना डिफरेंट कॉन्सेप्ट को ये हमने बात की थी इसके बाद स्टडी ऑफ द लीगल सोर्स ऑफ लॉ अभी आगे चलकर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि इन सोर्सेज से क्या चीज़ जो है आपके सामने आती है और इन सोर्स का जानना क्यों ज़रूरी डिफरेंट सोर्सेज हैं कि लॉ किसी सॉवरन की तरफ से आ रहा है किसी किंग की तरफ से है किसी एम्प्रर की तरफ है, लॉ मेकिंग की अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ लॉ कहीं पार्लियामेंट बनाती है लॉ कोई असम्बली बनाती है लॉ सेनेट का, का काम है लॉ नेशनल असम्बली का काम है लॉ किसने बनाना है वो सोर्सेस कौन से हैं जहाँ से लॉ आप तक पहुँच रहा है उसकी स्टडी दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हमने स्टडी करने सो स्टूडेंट्स एनालिटिकल जोरस्प्रोडेंट्स की बात हम कर रहे थे सोर्सेस ऑफ लॉ के बाद प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन थेरी ऑफ लेजिस्लेशन की मुख्तलिफेरीज लेजिस्लेशन पर हम आते हैं प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन आपको बताएंगे तो वहां पर डिटेल्स बात होगी कि लेजिस्लेशन है क्या किसको हम लेजिस्लेशन कहते हैं कौन लेजिस्लेशन करता है कैसे लैजिसलेशन करते सोर्स ऑफ लॉ में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट्स एंड कस्टम्स क्या होते हैं। तो ये सारी यहाँ पर बात हो रही है कि इनको स्टडी किया जाता ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं आगे हम चल के जो देखेंगे ये असल में एनालिटिकल जोरसप्रोडेंस है हम एनालिसिस कर रहे होते हैं लॉ के नॉलेज नॉलेज ऑफ लॉ जो है उसके उसका एनालिसिस है आप अभी पहुंचेंगे वहां तक तो आपको अंदाज़ा होगा कि एनालिसिस क्यों ज़रूरी है ये अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है इस अंडरस्टैंडिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं हमें पता चलता है कि कहाँ से लॉ है उसका सोर्स क्या है ये लॉ बन कैसे रहा है ये लॉ बनाने वाले कौन है ये अथॉरिटी किसके पास ये सारी चीज़ें हमें लेजिस्लेशन से पता कर चलती डिफरेंट लीगल कॉन्सेप्ट डिटर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं उनकी स्टडी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है क्या किसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं क्या है पोजेशन कब होगी पोजेशन किसको होगी पोजेशन किसको को कहा जाएगा ट्रस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि हम ट्रस्ट एक्ट की बात कर रहे थे वहां पर हम स्टडी करेंगे ट्रस्ट है क्या ट्रस्टीज कौन है ट्रस्ट कौन बना सकता है कौन सा लॉ इसको गवर्न करेगा ये तमाम कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम स्टडी करेंगे इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट को पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट कहते किसको है हैं कॉन्ट्रैक्ट किस वक़्त वजूद में आता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं वो तमाम चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं और वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते पर्सन की क्या डेफिनेशन है मोटिव आप किसको कहेंगे कि इसका ये मोटिव था या नहीं था ये वाक्य हो गया इसमें उसका मोटिव था या नहीं था इसका बड़ा रोल होता है इन मेकिंग द डिसीजन जब कोर्स के सामने जाते हैं तो वहां मोटिव पर बड़ी बहस होती अब ये इस का काम है वो कि वो बताएगा कि मोटिव क्या है हाउ यू विल डिफाइन मोटिव इसी तरह नेगलिजेंस नेग्लीजेंस कहाँ से शुरू होती है नेगलीजेंस किस को कहेंगे नेग्लीजेंस की बाउंड्रीज़ क्या है ये तमाम चीज़ें जो हैं नेग्लीजेंस का स्कोप क्या है ये तमाम चीज़ें जो है, ये analytical jurisprudence हैं ये नटिकल जुरुस प्रोडेंस डिस्कस करते अब इन चीज़ों का नॉलेज ना हो तो आप लॉ की इंटरप्रटेशन नहीं कर सकते लॉ को आप सही मानों में समझ नहीं सकते इसलिए ये नॉलेज ऑफ लॉ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको जुरुस प्रोडेंस पढ़ाने नहीं चाहती मैं आपको एक इशारा कर रहा था यहाँ पर कि ये एक ब्रांच है जिससे ये नॉलेज हम तक पहुँचता अदरवाइज इट इज़ ए वाइट टॉपिक तो हम पूरा कोर्स भी चाहें तो जुरुसपुर पे कर सकते हैं लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम जूरस्ट की बात करते रहते हैं और हमें जूरस का ना पता तो दैट वॉज नेसेसरी कि इसकी तरफ इशारा किया जाए व्हाट जूरिस एनालिटिकल जुरिस की बात हुई एक हिस्टोरिकल जुरुसप्रोडेंस हिस्टोरिकल जुरुस्प्रोडेंस में हिस्ट्री देखी जाती है कि बैकग्राउंड्स क्या थे हिस्ट्री में लॉज क्या थे हिस्ट्री में लॉज कैसे थे ये हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द लॉ इसको हिस्टोरिकल जुरुसप्रोडेंस का नाम दिया जाता लॉ किन किन स्टेज से गुजरा और कैसे यहाँ तक पहुँचा ये बैकग्राउंड की और हिस्ट्री की स्टडी नेक्स्ट इज दल जुरस्प्रोडेंस एनालिटिकल जुरुसप्रोडेंस में आपने देखा द लॉ एज इट एग्जिस्ट नाउ प्रेवलेंट लॉ क्या है वो सिर्फ एनालिसिस करने का काम है उन हमारा लॉ है इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ये ये चीजें हैं इनके ये कॉन्सेप्ट हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है एथिकल जूरसप्रूडेंस में क्या किया जाता है ये क्या स्टडी करता है इसका स्कोप क्या है स्टूडेंट्स so, वहाँ एथिकल जूरसप्रूडेंस में जूरिस्ट ये देखते हैं कि ये जो लॉ है ये लॉ है कैसा और लॉ को एथिकल स्टैंडर्ड्स नॉन स्टैंडर्ड्स पर कैसा होना चाहिए व्हाट इज़ द लॉ एंड हाउ द लॉ शुड बी लॉ के प्रिंसिपल जो डिफरेंट डिफाइन किए हैं उसके मुताबिक और द लॉ एज दट टू बी जिस तरह होना चाहिए वो कैसा है और ये मौजूदा कैसा है? है इस पर जो कमेंट्री है इस पर जो व्यूज़ दिए जाते हैं That is the domain of ethical jurisprudence. ये चीज़ें ethical jurisprudence में देखी जाती हैं कि मौजूदा लॉ prevalent लॉ उसको ethical standards पर देखा जाए उसको traditions पर देखा जाए उसको relevant society के customs पर देखा जाए उसको non international ethical standards पर देखा जाए कि उसके मुताबिक इसमें क्या चेंजेज़ होनी चाहिए क्या मोडिफिकेशन होनी चाहिए क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए ये इस स्टडी को हम एथिकल जुरिस प्रूडेंस कहते वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ लॉ आप सोच रहे होंगे कि लॉ का तो हमने बड़ी डेफिनेशंस कर ली बड़ा स्टडी कर लिया ये दोबारा डेफिनेशंस कहाँ से आ गए तो अभी तक लॉ डिफाइन ही नहीं हुआ ये हमने अभी जुरुसप्रूडेंस देख, जुरुसप्रूडेंस के जो माहरीन हैं कानून के जो माहरीन हैं उनको जूरिस्ट किया कहा जाता है डिफरेंट जूरिस्ट जो हैं उन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया ये जो हमने अभी स्टडी किया एक ओवरव्यू आपको दिया उससे यह क्या एक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो गया अब आप इन डेफिनेशंस को अप्रिशिएट करने के काबिल होंगे दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू अप्रीशियट अंडरस्टैंड कॉन्स्ट्रू एंड इंटरप्रेट दिज डेफिनेशन इन के जो अंडरलाइन मीनिंग्स हैं उनको आप समझ सकेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ सिग्निफाइज रूल ऑफ एक्शन एंड इज अप्लाइड इनडिसक्रिमिनेटली टू ऑल काइंड ऑफ एक्शन अभी आपने देखा लॉ कि लॉ जो है वो रेगुलेट करता है लॉ डिफरेंट फेयर्स को कंडक्ट कर रहा होता है तो ये रेगुलेशन ऑफ लॉ है डिफरेंट एक्शन ब्लैक्स कहता है ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन उसने यहाँ पर कोई बिजनेस एक्शन की बात नहीं की उन्होंने कोई सिविल लॉस की बात नहीं की कहते ऑल काइंड ऑफ एक्शन जो है जो हम हाँ भी किसी एक्शन के लिए रूल्स बनाए गए हैं वो इनडिसक्रमिनेटरी आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि वो एक्शन किस किस्म का है और वो रूल्स कैसे हैं ऑल रूल्स ऑफ एक्शन दोज लीड टू लॉ उन सबको आप लॉ कहेंगे दोज विल बी कॉल्ड लॉ वो कहते हैं बेशक इसे एक दफा पढ़ लीजिएगा देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लॉ सिग्निफाइज अ रूल ऑफ एक्शन एंड इज अप्लाइड इनडिसक्रिमिनेटली टू ऑल काइंड ऑफ एक्शन एनिमेट और इन एनिमेट रैशनल और इन रैशनल दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ एक्शन सिग्निफाइंग डिफरेंट लॉज फॉर एग्जाम्पल लॉज ऑफ मोशन Laws of gravitation, laws of optics, laws of mechanics, as well as law of nature and laws enacted by the sovereign or legislature. Now we interested hai, jis baat kar rahe hai. That is the law of the state. The law enacted by a sovereign or the law made by the legislature. Kis is the sovereign? Ka किसी किंग का बनाया हुआ जो भी कानून किसी मुल्क में चल रहा होता है सिविल लॉ जो किसी मुल्क का है उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं तो असल हमारा इंटरेस्ट जब लॉ की बात करते हैं तो वो ये है लेकिन ब्लैक्स के मुताबिक कोई भी रूल्स ऑफ एक्शन है वो फिजिक्स से मुतल हो वो केमिस्ट्री से मुतल हो वो एस्ट्रोनॉमी से मुतल हो कोई भी फील्ड हो वो लॉ ऑफ नेचर अब वो कहते हैं लॉ ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स कि ये भी एक लॉ है ये लॉ ऑफ नेचर है दैट सन राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट ये एक लॉ है दिस इज द लॉ ऑफ नेचर तो ये तमाम लॉज हैं कोई रूल्स ऑफ एक्शन है ये एक्शन है राइजिंग एंड सेटिंग इन ऑफ द सन दैट इज ए लॉ इट इज द लॉ ऑफ नेचर दैट इज द एक्शन एंड देयर आर रूल्स फॉर दैट एक्शन रूल्स राइजिंग एंड सेटिंग के रूल्स हैं उसके मुताबिक ही काम चल रहा है उसने अपनी डेफिनेशन को बहुत फैला दिया है उसका स्कोप बड़ा वाइट ऑल टाइप्स ऑफ एक्शन तो ऑल रूल्स ऑफ एक्शन वो लॉ अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स मैंने शुरू में आपसे कहा था डिफरेंट जूरिस्ट अपने अपने अंदाज में डिफाइन करते हैं लॉ तो हम देखते हैं और ये इन डेफिनेशन से आपको अंदाज़ा होगा इसके लॉ असल में है क्या ये एक और जूरिस्ट हैं इनका नाम है हॉलैंड हॉलैंड के मुताबिक लॉ इज जनरल रूल ऑफ एक्शन टेकिंग कोगनाइजेंस ओनली ऑफ एक्सटर्नल एक्ट एनफोर्स बाय डिटरमिनेट अथॉरिटी विच अथॉरिटी इज ह्यूमन एंड अमंग ह्यूमन अथॉरिटीज इज दैट विच इज पैरामाउंट इन अ पोलिटिकल सोसाइटी लास्ट डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स हैं वो शायद आपको समझ ना आए मैं जब यहाँ पहुंचा हूं तो मेरे जहन में आया कि वहां पर कोई इनडिसक्रिमिनेटली और बाकी चीजें थी तो मैं उसके आपको ब्रीफली वजाहत कर रूल ऑफ एक्शन की बात हो रही थी ब्लैक्स की डेफिनेशन इज अप्लाइड इनडिसक्रिमिनेटली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई तफरीक नहीं खा ऑल टाइप ऑफ एक्शन खा एनिमेट परसन के एक्शन लिविंग पर्सन इन एनिमेट नॉन लिविंग एलिमेंट्स के जो हैं वो एक्शंस हो उसमें लॉजिक हो या ना हो दो मे बी रैशनल आर इैशनल इससे कोई ताल्लुक नहीं एज वाल एंड देर आर रूल्स ऑफ एक्शन तो उनको लॉ कहा जाए तो ये मैं इनडिसक्रिमिनेट एनिमेट इन एनिमेट का आपको बताना चाहता था तो इसके बाद आई मूव ऑन टू देशन बाई हॉल एंड ये भी बात वही कर रहे हैं ये रूल ऑफ एक्शन लेकिन इसमें फर्क वहां पर बात हो रही थी कि इसमें कोई तफरीक नहीं कि रूल ऑफ एक्शन एनिमेट पर्सन का हो या नॉन लिविंग एलिमेंट्स का हो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो रैशनल एक्शन हो या इन रैशनल एक्शन एज लॉन्ग एज देर आर रूल्स ऑफ एक्शन वो लॉ कैलाइन यहाँ पर बात हो रही है कि जनरल रूल ऑफ एक्शन तो है टेकिंग ये किन चीजों का अहाता करते हैं

उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें क्या चीजें होनी चाहिए किसको अथॉरिटी कहा जाएगा विच अथॉरिटी इज ह्यूमेन ये एनिमेट और इन एनिमेट की बात नहीं है हॉलैंड कहता है ह्यूमेन अथॉरिटी होनी चाहिए लॉ के लिए जो लॉ का नफाज करे जो लॉ को बनाए उसकी एनफोर्समेंट करे वो ह्यूमन अथॉरिटी हो एंड अमंग विच इज़ पैरामाउंट इन ए पोलिटिकल सोसाइटी पोलिटिकल सोसाइटी में जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी वो अथॉरिटी जो है जो एनफोर्स कर सकेगी वो लॉ को बना सकेगी वो जब ये काम करेगी तो उसको लॉ कहा जाएगा वो रूल्स ऑफ एक्शन बाई डिटर्मिनेट अथॉरिटी एंड दैट मस्ट बी लिविंग ह्यूमन एंड दैट मस्ट पैरामाउंट इन द पोलिटिकल सोसाइटी तो वो जो है दैट विल बी लॉ विच इज मेड एंड एनफोर्स बाई ए ह्यूमन अथॉरिटी इसके बाद एक और ज्यूरिस्ट है Hobbes. Hobbes के मुताबिक लॉ इज दमांड ऑफ ह्यूम एंड क्वर्सिव पावर कहते वो कोई भी लोग हैं जिनके पास क्वर्सिव पावर जो, जो जोर आवरी के जरिए जरिए दबाव के जरिए अपना पार इस्तेमाल कर सकते हैं ये कोर्स पार जिनके पास है उनकी कमांड्स जो हैं उनको लॉ कहा जाए ये हॉब्स का नुकता नज़र है ऑल हैव देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग तो यहाँ पे कोई जनरल रूल्स की बात नहीं हो रही वो कोई भी जिसके पास भी कोर्स पार है वो अपने पार के जरिए उस लॉ को एनफोर्स कर सके अकॉर्डिंग टू हिम हिज कमांड्स आर लॉ और ऑस्टिन के मुताबिक ए लॉ इज रूल ऑफ़ कंडक्ट इम्पोज एंड बाय बाई दॉवरन अब यहाँ पर कोर्स पार की बात नहीं यहाँ पर सॉवरन की बात की बात यही है कि अथॉरिटी है अभी हमने डिटर्मिनेट अथॉरिटी की बात की इन सोसाइटी कोर्स पार की बात की अब यहाँ सॉवरन की बात हो रही है कि वो खुद मुख्तार होना चाहिए उसके पास इख्तियार होना चाहिए तो अभी तक जो बात हम कर रहे हैं उसमें रूल्स ऑफ एक्शन के लिए ज़रूरी है कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर चाहिए उसको कोर्सिव अथॉरिटी का नाम दें उसको सॉवरन का नाम दें उसको डिटर्मिनेट अथॉरिटी का नाम दें और उस डिटर्मिनेट अथॉरिटी को पैरा माउंट अथॉरिटी का नाम लें जो भी नाम उसे दें दैट मस्ट हैव दैट मस्ट अथॉरिटी अथॉरिटी के बगैर लॉ नहीं हो सकता क्योंकि लॉ ने एनफोर्स होना है जब एनफोर्स करने वाले के पास अथॉरिटी नहीं होगी तो वो लॉ नहीं होगा लॉ ये नहीं है कि किताबों में लिखी हुई कोई चीज है लॉ वो है कि ये एक अच्छा लॉ भी हो और उसको एनफोर्स भी किया जा सके ये चीजें साथ साथ तो सेलमन के मुताबिक लॉ इज दॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एस ए प्रिंसिपल्स एंड अप्लाइड बाई द स्टेट स्टेट उन प्रिंसिपल को रिकोगनाइज भी करती है और उनको अप्लाई भी करती है

द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो ये सेलमेंट की डेफिनेशन है लॉ के बारे में इन तमाम डेफिनेशन को देखने के बारे में आपके जहन में लॉ का एक तस्वर उबरेगा एंड दैट इज हाउ द प्रोफेशनल लुक एट लॉ वो जर्नल कॉन्प आप प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं प्रोफेशनल प्रसप्शन जो है उसका बिल्डअप होना जरूरी है। So एक्सरसाइज इसीलिए की जा रही है एक और जूरिस्ट का नाम है जॉन एन एर के मुताबिक लॉ इज दिन कॉमन रूल ऑफ लाइफ फॉर सब्जेक्ट एंड ओब्लाइजिंग दूबीडियंस एक सॉवरन की खुद मुख्तार हुक्मरान की कमांड है उसका हुक्म है उसने अपने सब्जेक्ट दर्ड सब्जेक्ट आज के दौर में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं होते सिटीजन्स को सब्जेक्ट्स कहा गया अपने रियाया के लिए वो कानून बनाता है वो कमांड्स बनाता है सॉवरन और उनको मजबूर करता है एंड ऑबलाइजिंग दैम टू ओबीडियंस कि वो उसकी किताब कर तो ये एक सॉवरन की कमांड है जो कि सब्जेक्ट्स के लिए बनाई जाती है सिटीजेंस के लिए बनाई जाती है और इसका मकसद ये है कि उसकी ओबीडियंस करें उस कानून की उसकी कमांड्स लॉ यही होता है हर लॉ में यही है कि आपने लॉ के आगे सरे तस्लीम कम करना है लॉ के आगे आप ये नहीं कह सकते कि लॉ अच्छा लॉ है या बुरा लॉ है वेन देर इज द लॉ ऑफ द लैंड वन इज देयर टू ओबे दैट लेकिन इसके अल्फाज जो हैं वो अपने अंदाज में सोचता है अपने अपने दौर में मुख्तलिफ दौर में कभी बादशाह होते थे एम, एम्पायर होते थे रियाया होते थे और वो मजबूर करते थे ओबीडियंस तो उस दौर के मुताबिक बातें हो रही तो एक और डेफिनेशन देखिए अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ए लॉ इज ए कमांड विच ओब्लाइजन टू ए कोर्स ऑफ कंडक्ट वो लॉ एक ऐसी कमांड है जो एक, एक, एक ऐसे कंडक्ट की तरफ ले जाता है कि जो उन्हें उस लॉ के मुताबिक करना चाहिए वो उन्हें रास्ता दिखा रहा होता है कि दिस इज द लॉफुल ये रास्ता आप इख्तियार कीजिए तो यहां भी अथॉरिटी की बात हो रही अंडरलाइंग पॉइंट अगर आप देखें दैट इज द अथॉरिटी, उसे आप कमांड कहें उसे आप सॉवरन का इख्तियार कहें उसे किसी रूलर की बात कहें अथॉरिटी आपको हर जगह नजर आए। एक और डी माउंट मैरसी की डेफिनेशन है वो बात कर रहे हैं कि विच के के लॉ तो है Which law has लेकिन बड़ी खूबसूरत बात की बट इट इज नॉट द बेसिस ऑफ लॉ कहते लॉ के लिए जरूरी है जो अभी हम बात कर रहे थे कि वहां पे सख्त जबर, जब लॉ की ओबीडियंस उसके लिए मजबूर करना उसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना ये एक वेपन है ये एक तरीका है लॉ की इंप्लीमेंटेशन लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं उसी सांस में ये बात की जा रही है कि क्वर्शन इज नॉट द बेसिस ऑफ लॉ लॉ का बेसिस जो है वो क्वर्शन नहीं है लॉ का मंशा ये है कि उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए लेकिन लॉ की बुनियाद किसी कोर्शन पर नहीं पड़ी दैट इज़ वन वे ऑफ द थिंकिंग ये जूरिस की डेफिनेशन हैं इन्हें आप देखिए और किसी आप कंसेंसस पर पहुंचने की कोशिश कीजिए मुझे जो बात अब तक नज़र आ रही है वो ये है कि एक अथॉरिटी ज़रूरी है लॉ के लिए रूल्स हैं प्रिंसिपल्स हैं कंडक्ट है उनको रेगुलेट करने का एक तरीका है ये प्रिंसिपल एंड रूल्स लेकिन एक अथॉरिटी जरूरी अकॉर्डिंग टू पाउंट लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रेकग्नाइज एन फोर्स बाई पब्लिक एंड रेगुलर ट्राइब्यूनल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कोर्ट्स को ट्राइब्यूनल भी कहा जाता है कि ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन्हें कोर्ट्स के जरिए जो है जिनका नफाज हो सके दैट इज वन ऑफ़ द कॉन्सेप्ट तो ये पाउंड के मुताबिक ऐसे प्रिंसिपल जिसकी एनफोर्समेंट हो सके थ्रू द कोर्स ऑफ लॉ तो उसको वो लॉ कह रहे हैं ये उनके मुताबिक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ एक और डेफिनेशन बाय विल्सन विल्सन के मुताबिक लॉ इज दैट पोर्शन ऑफ द एस्टेब्लिश थॉट एंड हैबिट ज गेन्ड डिस्टिंग एंड फॉर्मल रेकनीशन इन देप ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स बैक्ड बाई दिटी एंड पार ऑफ द गवर्नमेंट अब इसका आप थीम देखें तो यही है कि यूनिफॉर्म रूल्स है और उसके बैक पर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए मुताबिक तो रूल्स का होना जरूरी है यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए द वर्ड यूनिफॉर्म हैज बिन यूज हियर यूनिफॉर्म so, रूल्स हो और उन रूल्स के इंप्लीमेंटेशन के लिए देर मास्ट बी समिटी टू इंप्लीमेंट दोन लॉ इज दिस्टम ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन विच द स्टेट एनफोर्स अब ये बता रहे हैं कि लॉ के जरिए राइट और ऑब्लीगेशन जो है डिसाइड उन, होते हैं वो एसरटेन होते हैं कि ये राइट्स हैं ये आपके ऑब्लिगेशंस और स्टेट का काम क्या है कि इनको एनफोर्स करवाना इन पर अमल दरामद करवाना तो ये वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात हो रही है कि ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात तो हमने पहले भी बात की थी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की तो ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं और स्टेट का काम है एनफोर्सबिलिटी ऑफ दो राइट्स एंड ऑब्लीगेशनस लॉ ऑफ द स्टेट और रूल्स विच द कोर्ट्स दैट इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ दॉडी ले डाउन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लीगल राइट एंड ड्यूटी यहां वही बात हो रही कि ये वो रूल्स है स्टेट के वो रूल्स हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ अदालतों के जरिए उन पर अमल दरामद जो है ये सॉवरन के जरिए नहीं है दिस इज थ्रू कोर्ट्स बात यही है कि लॉ है अथॉरिटी है उसकी अमल दरामद उसके मुख्तल तरीके बताए हैं कि किसने वो काम करना है किसकी वो अथॉरिटी है वो उसको किस तरह सोचते तो अपने अपने अंदाज में यहां मैं कोई गलत और सही की बात तो नहीं कर सकता देट इज अ वे ऑफ थिंकिंगे वे ऑफ थिंकिंग है टूरिस्ट का उससे हमारे लिए दैट इज ए फूड फॉर थाट हम इसे देखें इसे समझें और इससे एक सही परसेप्शन जो है वो लॉ का हम डिवेलप हो सके ये इसका मंशा है ये इसका मकसद दिस इज द लास्ट डेफिनेशन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैंने ये डेफिनेशन बहुत दफा पढ़ी और जब भी मैं पढ़ता हूं आई रियली एंजॉय इट रीड इट ओवर एंड ओवर अगेन अब देखें आप कितनी डेफिनेशन आपने पढ़ी मैं किसी की अथॉरिटी की नेगेशन नहीं कर रहा ऑल आर वेरी नॉन जोरस उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी लेकिन ये मुझे बहुत अपील करती है डेफिनेशन जरा आप देखिए इसकी लैंग्वेज देखें और इसका स्कोप देख ये कोई लैंग्वेज की बात नहीं है इन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया है लॉ का स्कोप कितना बढ़ा दिया है इसे आप देखिए लॉर्ड रेडक्लिफ ने कहा यू विल नॉट मिस्टेक माई मीनिंग आर सपोज दैट आई डेप्रिसिएट वन ऑफ द ग्रेट ह्यूमन स्टडीज इफ आई से दैट वी कैनोट लर्न लॉ बाई लर्निंग लॉ इफ इट इज टू बी एनीथिंग मोर than just technique it is to be so much more than itself a part of history and sociology a part of ethics and philosophy of life mujhe andaaza hai ki pehli dafa isko sunkar ya padhkar ye meanings aap tak मुश्किल से पहुंचेंगे अगर आप इसको समझ सके हैं तो I appreciate that. अगर नहीं समझ सके हैं, तो आई वुड हेल्प यू पहली बात तो वो ये कह रहे हैं यू विल नॉट मिस्टेक माई मीनिंग आप गलत मतलब ना लीजिएगा और सपोज दैट आई डेप्रिसिएट वन द ग्रेट ह्यूमन स्टडीज इफ आई से जो मैं कहने जा रहा हूं अगर मैं ये कहूं तो आप ये मुझे गलत ना समझिएगा और ये ना समझिएगा कि मैं एक ग्रेट ह्यूमन स्टडीज को डेप्रिसिएट कर रहा हूं उसके मुकाम को कम कर रहा हूं वो लॉ की स्टडी को एक ग्रेट ह्यूमन स्टडीज का नाम दे रहे हैं। मैं उसके मुकाम में कोई कमी नहीं ला रहा लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूं वो बात यह है इफ आई से दैट वी कैन नॉट लर्न लॉ बाई लर्निंग लॉ कि हम लॉ को सीख नहीं सकते सिर्फ लॉ की स्टडी से लॉ को नहीं सीखा जा सकता ऐसे अगर मैं ये बात कहूं तो आप मेरे गलत मतलब मत लीजिएगा ना ये समझिएगा कि लॉ की स्टडी का जो मुकाम है वो मैं गिरा रहा मैं इसमें क्या ऐड करना चाहता हूँ मोर देन जस्ट टेक्निक किसी टेक्निक का नाम नहीं है लॉ ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे आप लॉ बना और इज टू बी सो मच मोर देन इट ये अपने आप से ज्यादा कुछ है लॉ लॉ से बढ़कर है सिर्फ लॉ की स्टडी से लॉ नहीं आ सकता इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री जब तक आपको हिस्ट्री का ना पता हो उस लॉ में हिस्ट्री की पैबंदकारी ना हो हिस्ट्री को उसमें ना समोदे वो लॉ नहीं बन सकता एंड सोशियोलॉजी आप सोशल एस्पेक्ट्स जो हैं उसको ना जब जेरे गौर लाएं और उनको लॉ का हिस्सा ना बनाएं तो आपको सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी उसके बाद आप लॉ को समझ समझ सकेंगे और उसके अलावा ए पार्ट ऑफ एथिक्स आपको एथिक्स का भी पता होना चाहिए अखलाकियात जो हैं किसी माशरे के ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस एंड कस्टम्स उनका पता होना भी ज़रूरी है एंड ए फिलोसफी ऑफ लाइफ और जिंदगी गुजारने की एक फिलासफी इन तमाम चीज़ों को जब आप लॉ में समो देंगे उसमें शामिल कर देंगे तो वो लॉ बन सकता है लॉ कोई कोईदी में चीज़ नहीं है ये अलूफ नहीं है ना हिस्ट्री से सेलीहदा कर सकते हैं ना सोसाइटी से सेलीहदा कर सकते हैं ना लोगों के कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से सेलीहदा कर सकते हैं ये तमाम चीज़ों को मिलाकर जब लॉ आएगा तो दैट विल बी द लॉ इन द रियल सेंस ऑफ दर्ल्ड तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं नाइस टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी الله حافظ